नई फिल्म रिलीज हो रही है और वो कंट्रोवर्सी का रूप ना ले ले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। वेल, इसी के चलते नवाजुद्दीन सिद्दीकी और एक्टर अवनीत कौर की एक नई फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है टिंकू विद शेरू। वेल, पहले बता दूं कि इस फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ तभी से ये फिल्म काफी कंट्रोवर्शियल बन चुकी है। इस फिल्म की कंट्रोवर्सी की कहानी ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने उम्र से छोटी 28 साल अवनीत कौर को लिप किस किया है। जी हाँ, तब से ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसको लेकर ट्रोलिंग में आ चुके हैं। लोगों ने उनके लिप किस पर इतराज जताया और नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर काफी गुस्सा भी किया। वेल, इसी के चलते नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने सफाई में अब लोगों को एक रिएक्शन दिया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि रोमांस करने की कोई उम्र नहीं होती, ये एक एजलेस चीज होती है। इसके आगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यह भी कहा कि इसकी असल वजह यह है कि शाहरुख खान आज तक रोमांटिक रोल कर रहे हैं। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने यंग जनरेशन पर निशाना साधा और कहा कि यंग जनरेशन नल्ली है, वो तो रोमांस नहीं जानती। आजकल का प्यार और ब्रेकअप सब व्हाट्सएप पर दिखाई देता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के इस बयान ने ट्रोलर्स की बोलती जो है बंद कर दी है। वेल, इसके चलते फिल्म जो है आज OTT प्लेटफॉर्म्स प्राइम पर रिलीज हो चुकी है। वैसे फिल्म ने काफी ज्यादा ताबड़तोड़ हल्ला बोल दिया है। फिल्म काफी ज्यादा लोगों की तरफ से पसंद की जा रही है। जिस तरफ नेगेटिव इफेक्ट है उस तरफ पॉजिटिव इफेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट का कहना ये है कि लोगों को नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग तो पसंद आती ही है। वेल, अब अवनीत कौर की एक्टिंग भी लोगों को खूब पसंद आ रही है, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के चलते यूजर्स का कहना है कि एक फिल्म काफी ज्यादा धमाकेदार एंट्री कर दी है और अब लोगों का ट्रोलिंग की तरफ क्या रिएक्शन है। वेल, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।